ए भगवान, हम बच गए। धन्यवाद भगवान। भागो भागो तथाचार्य, अपने प्राणों की रक्षा करके भागो। भागो 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 भागो। अरे डाला मैंने, मृत्यु के पश्चात हम तो नर्क में पहुंच गए। नर्क में कैसे? अरे स्वर्ग में लोभी दुराचारी दुष्ट बुड्ढे को स्थान कहाँ मिलेगा? ये यहाँ है तो हम भी नर्क में होंगे ना। हाँ, तुम जीवित हो, मरे नहीं हो। अर्थात उस राक्षस मुर्गा ने पुनः हमें छोड़ दिया। हाँ, परंतु हमें महाराज और पंडित रामाकृष्ण को ना बचाने का खेद आजीवन रहेगा। महाराज की ध्वनि। महाराज, महाराज, महाराज अब ठीक है ना? महाराज, कहाँ हैं? महाराज आप वन में हैं और सुरक्षित हैं। महाराज हम अपने मंत्र की शक्ति से उस राक्षस मुर्गन पप्पू और उसके साथियों को अदृश्य करने ही वाले थे, परंतु क्या करें, हम बेहोश हो गए। पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, मिल गए, मिल गए। हो, महाराज लगता है उन आदिवासियों ने पंडित रामकृष्ण को। श्वास चल रही है। क्यों चल रही है? महाराज श्वास चल रही है, श्वास चल रही है महाराज। पंडित रामकृष्ण शांत, शांत पंडित रामकृष्ण, हम सुरक्षित हैं। महाराज वो लोग कहाँ गए? वो उन्हें हमने अपने मंत्रों की शक्ति से। गुरुवार आप शांत रहेंगे? जी महाराज, क्षमा क्षमा। पंडित रामकृष्ण हम क्षमा प्रार्थी हैं। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? हम आप पर क्रोधित हुए थे, क्षमा कर दीजिए हमें। नहीं नहीं महाराज, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ, मुझे अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, है ना गुरुवर? हाँ वो तो है। हाँ, परंतु जो भी कहते हैं उचित कहते हैं। आपका कथन सत्य निकला, यदि आज हमारी उंगली कटी ना होती तो संभवतः हमें बलि पर चढ़ा दिया गया होता। तो पंडित रामकृष्ण आपने सत्य कहा था, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हाँ महाराज, ये सत्य है। जी जी, और यदि ईश्वर ने आपको वाचाल बनाया है तो इसमें भी कोई शुभ कारण होगा पंडित रामकृष्ण। तो आप ऐसे ही रहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ईश्वर ने हमें इस पाखंडी बुड्ढे का शिष्य बनाकर कौन सा अच्छा कार्य किया? अरे इस बुड्ढे के बाद ईश्वर भी हमेशा हमसे क्रोधित रहते हैं। दुष्टो, हम सब सुन रहे हैं। महाराज हम महाराज हम गिर गए। कोई बात नहीं गुरुवर, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। महाराज आज रविवार है। महाराज आज रविवार है। महाराज आज रविवार है। वो संध्या काल में महाराज, वो संध्या काल में महारानी चिन्ना देवी, हमें भली भांति ज्ञात है कि सप्ताह में एक दिवस रविवार होता है और संध्या काल एक पहर होता है, परंतु आप क्या कहने की चेष्टा करिए ये नहीं समझ पा रहे हो। महाराज हम आपको यही स्मरण कराने की चेष्टा कर रहे हैं कि महारानी तिरुमलम्मा ने आज संध्या काल में महल के अंदर हल्दी कुमकुम के समारोह का आयोजन किया है और विजयनगर की समस्त महिलाओं को भी आमंत्रित किया है। अच्छा, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने उपवास भी रखा है महाराज। उपवास रखा है? कब तक टिकेगा महाराज? कब तक चलेगा?
महाराज उपवास तो पूर्ण दिवस का होता है ना? अवश्य अवश्य पूर्ण दिवस का उपवास। नहीं केश, केश। महारानी तिरुमलम्बा, आप खुले नेत्रों से कोई बुरा स्वप्न देख रही हैं क्या? आमने चिन्ना देवी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा संभव हो सकता है महाराज, मन की आंखों से बिना निद्रा के भी स्वप्न देखे जा सकते हैं। अद्भुत। नहीं केश, केश, केश। छोटी महारानी जी, आप केश केश क्यों चिल्ला रही हैं? आपके केशों के साथ कुछ अप्रिय घटित हुआ है? नहीं, ठीक वैसी है जैसे प्रतिदिन होते हैं। महाराज, हम अपने नहीं आपके केशों की बात कर रहे हैं। परंतु महाराज के केश में ऐसा क्या दिख रहा है? है जो हम देख रहे हैं, परंतु आपके नेत्रों से ओझल है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? ये देखिए, ये देखिए, आपका केश महाराज, आपका टूटा हुआ केश जो कभी आपका था परंतु अब झड़ गया, अब आपका ना रहा महाराज। अर्थात महाराज, आपके केशों में तो पतझड़ ऋतु आरंभ हो चुकी है। महारानी तिरुमलम्बा, आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हैं। यदि घने वन से एक वृक्ष टूट के गिर भी गया तो उसे बंजर नहीं कहते। लेकिन यदि उसी घने वन में से एक एक करके सभी वृक्ष गिर गए तो सोचिए, महाराज का शीश तो खुले मैदान जैसा हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो सोचिए महाराज, आप ऐसा शीश लेकर दरबार में कैसे जाएंगे? दरबार में कैसे जाएंगे? मुकुट पहनकर जाएंगे हम। हम अपना मुकुट पहनकर जाएंगे। महाराज, ये देखिए, आपके वन में तो चार चार वृक्ष गिरे हुए हैं। ये देखिए महाराज, अर्थात महाराज, आपके वन का यौवन समाप्त हो रहा है। आपका शीश केश रहित हो जाएगा महाराज, और किसी शीश महल के भांति चमक उठेगा। छोटी महारानी जी, आप हमें बता रही हैं या डरा रही हैं? नहीं नहीं महाराज, आप तनिक भी चिंतित ना होइए। हम है ना, हम आपको बाल बाल बचा लेंगे। हमारे पास ना इस समस्या का एक खतरनाक उपाय है। खतरनाक? क्या? आप, हमारा तात्पर्य यह है महाराज कि हमारे पास ना इस समस्या का उत्तम और सरलतम उपाय है। अद्भुत, तो ये उत्तम सरलतम उपाय हमें शीघ्रतम बताइए, हम कोई भी जोखिम लेने को तैयार है। हमारे पिताश्री महाराज चर्वेश्वर राव के सिर में से भी बाल झड़ने लगे थे, अर्थ चंद्रमा के समान प्रतीत होने लगे थे। पूर्णिमा की रात्रि तो हम भेद ही नहीं कर पाए कि चांद कौन सा है और हमारे पिताजी का शीश कौन सा है। छोटी महारानी जी, उपाय बताइए ना। उपाय है महाराज, हमारे कर कमलों से बना हुआ आंवले और करेले का विशेष काढ़ा। काढ़ा? महाराज, हमें आज भी स्मरण है, वो काढ़ा पीने के बाद ना हमारे पिताश्री के बाल पुनः आ गए थे। महाराज, वही काढ़ा हम आपके लिए बनाकर लाएंगे। कष्ट, घोर कष्ट। नहीं नहीं महाराज, हमारे होते हुए आपको कदापि कष्ट नहीं हो सकता है। आप देखिएगा, वो काढ़ा पीने के बाद ना आपके बाल भालू से भी अधिक हो जाएंगे। महारानी तिरुमलम्बा, परंतु आपका तो उपवास है और हल्दी कुमकुम का समारोह भी आपने रखा है और विजयनगर की समस्त महिलाओं को भी आमंत्रित किया है, ऐसे में आप काढ़ा कैसे बना पाएंगी और इतने सारे कार्य अकेले कैसे कर पाएंगी आप? हाँ, हम तो कहते हैं रहने दीजिए। उचित कथन है, सत्य कह रही है। नहीं महाराज, हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप हैं। हम आपके लिए काढ़ा बनाते हैं और अभी उपस्थित होते हैं। हाँ महाराज, आपके दिन का आरंभ तो आंवला और करेले युक्त काढ़े से भरपूर होगा। काढ़े से भरपूर नहीं होगा है, और पीड़ा से भरपूर होगा। काढ़ा, क्या कर रहे हैं? मैं विपरीत शीर्षासन कर रहा हूँ। विपरीत क्यों? हम आपको सीधा शीर्षासन करना सिखा दें। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ खड़े खड़े अपने मुख से बगीचे की सफाई कर रहा हूँ। दाढ़ी बना रहे हैं, परंतु आज तो रविवार है, प्रतिदिन यही करते रहते। रहने दो शारदा, तुम नहीं समझोगी हम पुरुषों का कष्ट। अच्छा।
हाँ ठीक है ठीक है, किंतु तुम्हें हम पुरुषों के दाढ़ी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अरे ये बिना किसी अवकाश के उगाते हैं जैसे घर की खेती हो। रामा, दाढ़ी अनुशासन प्रिय होती है, इसलिए नियमित रूप से प्रतिदिन बढ़ती है, तेरी तरह नहीं है। हम नहीं, अम्मा कह रही है। अम्मा, हमारा हर दिन सुबह गर्दन पर उस्त्रा रखकर शुरू होता है। ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बहादुरी का कार्य कर रहा हूँ। अम्मा, ये बुद्धि और बहादुरी दोनों का कार्य है। उस्त्रा इधर से उधर हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसमें क्या है, सभी करते हैं। सब नहीं करते, केवल पुरुष करते हैं। संयोगवश तुम दोनों की दाढ़ी उग गई ना, तब समझ में आएगा। इसकी तो काली जुबान है, इसके मुख से निकली हुई अनहोनी भी होनी हो जाती है। हे भगवान, उठा लो इनकी गलत सोच को, उठा लो और इनके मस्तिष्क में सही सोच डालो। गुरुजी, गुरु माता। आपके लिए मन्नत मांगी है। क्या? आपको ये सारे चावल एक एक करके ग्रहण करने होंगे। क्या करके? एक एक करके ग्रहण करने हैं, इससे समस्त विजयनगर के सारे कष्ट एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। हमें बताइए, कभी आपने आकाश के तारे एक एक करके गिनने का प्रयास किया है? यदि नहीं तो हम एक एक करके चावल कैसे खा सकते हैं? हम तो मन्नत स्वामी, मन्नत। यदि मन्नत सरल होती तो क्या आप इतने महान कहलाते? ये मन्नत नहीं, मनस्ताप है वरुण माला। अरे ठहरिए स्वामी, हम अभी आपको बताते हैं। ये देखिए स्वामी, इसी प्रकार आपको चावल का एक एक दाना ग्रहण करना होगा। वरुण माला, इस विधि से एक समय का भोजन ग्रहण करने के लिए दो जन्म लग जाएंगे। हम नहीं करेंगे ये मन्नत पूरी। परंतु स्वामी, अगर आपने ये मन्नत पूर्ण नहीं की तो प्रलय आ जाएगी, प्रलय। अच्छा ठीक है, करेंगे। गुरु माता, आज आप देखना, हमारे गुरुजी भोजन हाथों से नहीं अपने मंत्रों की शक्ति से ग्रहण करेंगे। गुरुजी, आप तो मंत्रों की शक्ति से सिर्फ चावल के दाने ही खाएंगे ना, और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन हम खा लेते हैं। गुरुजी, अब आपकी इतनी सहायता तो हम कर ही सकते हैं ना। हम आपके प्रिय शत्रु शिष्य हैं ना गुरुजी। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, आप अति शीघ्रता करिए और इसी प्रकार हमारी मन्नत भी जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या हुआ गुरुजी? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, विश्राम करें। धनी मनी, हमें उठाओ। हाय हाय हाय, उठाओ 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 हाय। स्वामी, महारानी तिरुमल अम्मा ने हल्दी कुमकुम का समारोह रखा है महल में, हम तो वही जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा। गुंडप्पे, वहाँ केवल महिलाएं और युवतियाँ ही आमंत्रित हैं, और तू तो बुलुत। इसलिए तो जाऊंगा, लाज महल के हल तमालों में लट्टू बनते हैं, और बुलुत को लड्डू कितने अच्छे लगते हैं ना, मैं अब तल नहीं जाने दूंगा। तू लड्डू खाएगा, लड्डू खाने के लिए कहीं भी चला जाएगा, राजमहल जाकर लड्डू खाएगा। घर पर लड्डू नहीं बनते, शारदा लड्डू नहीं बनाती, लड्डू खाना अच्छी बात नहीं है, पेट में दर्द होगा। पेट में कष्ट बाद में होगा, पहले मैं लड्डू का स्वाद चखूंगा। मुंडप्पा,
अम्मा सही कह रही है, तू शांति पूर्वक घर में ही रहना और अपने परम मित्र के साथ खेलना। मेरी प्यारी शारदा कितनी सुंदर है अम्मा। महल जाएगी और आते समय मेरे लिए लड्डू लेकर आएगी। ठीक है अम्मा, हम आपके लिए एक लड्डू ले आएंगे। एक, तीन लड्डू लेकर आना। महल के लड्डू अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। एक लड्डू तो मुंह में जाते ही पिघल जाता है। तीन लड्डू खाऊंगी तो स्वाद आएगा। परंतु अम्मा, अभी तो आप गुंडप्पा को लड्डू खाने से रोक रही थी, अब स्वयं ये। ठीक है अम्मा, अब हम ले आएंगे आपके लिए लड्डू, ले आएंगे। हाँ, तीन लड्डू ले आएंगे। ईश्वर, आज हम हल्दी कुमकुम के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे और यहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। क्यों सेवा करेंगे जी? अर्थात क्या आवश्यकता है वरुण माला? आप जाइए, जाइए, जाकर अपना कार्य कीजिए। हम अपने मंत्रों की शक्ति से अपना स्वास्थ्य सुधार लेंगे। नहीं नहीं स्वामी, हम आपको इस कष्ट में कदापि नहीं देख सकते हैं। नेत्र बंद कर लीजिए जी। इधर आओ। ये एक औरत हल्दी कुमकुम में क्यों जाती है? वो तो अपने पति परमेश्वर की कुशलता और स्वास्थ्य के लिए जाती है। यदि आप नहीं जाएंगी तो हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा और एक औरत की हल्दी कुमकुम में ना जाने का महापाप हमारे सर पर पड़ जाएगा वरुण बाला। शिव 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 शिव, आप जाइए जाइए। ये है ना धनी मनी, ये करेंगे हमारी सेवा। हाँ हाँ गुरु माता, धनी मनी के रहते आप निश्चिंत रहिए। परंतु स्वामी मन्नत। तो हम करेंगे ना, हम अवश्य पूरी करेंगे। हाँ क्यों नहीं गुरु माता, आपके वापस लौटने तक हमारे गुरुजी चावल के 50 दाने तो ग्रहण कर ही चुके होंगे। और आप चिंता मत कीजिए गुरु माता, हम गुरुजी को चावल के दाने चुन चुन के और गिन गिन के खिलाएंगे। जय हाय। जैसे आपकी आज्ञा स्वामी। हाय 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 हाय। शीघ्रता क्यों की? आपको एक एक चावल का दाना बड़े ही प्रेम पूर्वक ग्रहण करना था। गुरुजी, आप तो ऐसे खा गए जैसे दुष्काल पीड़ित प्रांत से आए हो, सब चट कर गए। मूर्खो शांत रहो, यदि आपके समक्ष अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन पड़ा हो तो भोजन को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। भोजन क्रोधित हो जाता है, ये धर्म कहता है। कौन सा धर्म कहता है गुरुजी? भोजन धर्म। अच्छा एक कार्य करो, इस पात्र को पुनः भर दो, वरुण वालों को संदेह नहीं होना चाहिए ना। गुरुजी, हमें ये तो भली भांति ज्ञात था कि आप महागुरु हैं। मगर आप महाचतुर हैं, ये भी धीरे धीरे ज्ञात हो गया। जी गुरुजी। धीरे धीरे समझदार हो रहे हो। महाराज, ये विशेष हमने आपके लिए बनाया है। इस काढ़े का कण कण आंवले और करेले के गुणों से भरपूर है। परंतु महारानी जी, ये तो धूल मिट्टी का मिश्रण प्रतीत होता है। नहीं नहीं महाराज, ये तो आपके केशों के पुनः आगमन के लिए है। महाराज, हमारा उपवास है और हल्दी कुमकुम भी है, फिर भी हमने समय निकाल कर बड़े परिश्रम से आपके लिए ये बनाया है। अच्छा। इसकी क्या आवश्यकता थी? जी? जी, आपको आपको इतना कष्ट लेने की क्या आवश्यकता थी छोटी महारानी जी? आवश्यकता नहीं महाराज, कर्तव्य। कर्तव्य के वशीभूत होकर हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हम स्वयं भी तो चिंतित है ना महाराज, तनिक सोचिए।
गंजे पति की महारानी कैसी लगेगी? प्रजा हमसे क्या प्रश्न करेगी कि यही है वो महारानी जिनके पति सम्राट है, जिनके पास सब कुछ है, परंतु केश नहीं है। महाराज, हल्दी कुमकुम का समय हो गया है, हमें जाना पड़ेगा, परंतु आप इस काढ़े को अवश्य पी लीजिएगा और फिर देखना आपके शीश का वर कभी साफ नहीं होगा। शीश के वन का तो क्या नहीं है, परंतु ये काढ़ा पीकर हम अवश्य साफ हो जाएंगे। पीले पीले। पीले? ये? नहीं पी सकते। अरे पिएगा तो तुम्हारे शीश के वन का पतझड़ समाप्त हो जाएगा। हम भी ये पी लिया तो हम स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। अरे पीले, ये काढ़ा तो आंवला और करेले के गुणों से पर्याप्त है। इसमें से तो हमें मृत मूषक की दुर्गंध आ रही है। हम कह रहे हैं ना, हम इसे नहीं पी सकते, कदापि नहीं। जाओ तुम। परंतु जब